वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई शिवा कार्तिकेयन स्टारर फिल्म यानी कि प्रिंस के बारे में। तो इस फिल्म को जो है तेलुगु और तमिल दो भाषाओं में रिलीज किया गया है और मैंने जो है तमिल वर्जन को ही देखा है। फिल्म जो है बेसिकली एक ड्रामा कॉमेडी फिल्म है जो करीब करीब 2 घंटे 23 मिनट के रन टाइम के साथ आती है, जहां पर फिल्म को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर अनुदीप ने, जिनकी पिछली फिल्म जाति रत्नालु मेरी वन ऑफ द बेस्ट या फिर कहें फेवरेट कॉमेडी फिल्मों में से एक है। तो अच्छी खासी एक एक्सपेक्टेशन के साथ मैं कल इस फिल्म को देखने थिएटर में गया और जहां पर फिल्म देखने के बाद जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था, जो मेरा ओपिनियन बनता है, उसे अगर एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो प्रिंस फिल्म जो है एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग फिल्म साबित होती है। ऑनेस्टली कहना चाहूंगा कि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं प्रिंस फिल्म देखने जा रहा हूं जिसके अंदर शिवा कार्तिकेयन है, जिसके अंदर एक ऐसा डायरेक्टर है जिसकी पिछली फिल्म ने शुरू से लेकर अंत तक खूब हंसाया था, मैं एक ऐसी फिल्म देखने जा रहा हूं उस फिल्म का सेकेंड हाफ मुझे बोर कर देगा। जी हाँ, मतलब कह सकते हैं कि फिल्म का जो फर्स्ट हाफ था, फिर भी जिस जॉनर की ये फिल्म है, जो स्लैपस्टिक कॉमेडी के साथ ये फिल्म आती है, उस लिहाज से फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी हद तक एंटरटेनिंग नजर आता है, कुछ हद तक हंसाने में कामयाब रहता है। बट इंटरवल के बाद जैसे ही फिल्म सेकेंड हाफ में जाती है पूरी तरह से चीज़ें फ्लैट हो जाती हैं, मतलब कहीं पर भी हंसी आएगी नहीं और उल्टा बोरियत फील होने लगती है। मतलब ऐसा मन कर रहा था कि छोड़ दो, अब कुछ बचा नहीं, ये फिल्म ट्राई बहुत कर रही है बट हंसा नहीं सकती है। देखिए, जो पिछली फिल्म आई थी डायरेक्टर अनुदीप की जाति रत्नालु, उस फिल्म की खासियत ये थी कि उसके अंदर नवीन पॉलीशेट्टी थे बट उनके साथ जितने बाकी एक्टर्स थे, राहुल राधाकृष्णन, प्रियदर्शी, इवन फारिया अब्दुल्ला, बाद में वहां पे मुरली शर्मा, नरेश थे, तो इतने सारे एक्टर, क्लाइमैक्स में ब्रह्मानंदम जी का कैमियो था, तो हर एक एक्टर जो उस फिल्म के अंदर नजर आ रहा था उनकी अपनी एक स्टाइल है और अपना एक कॉमेडी टाइमिंग है। और यही कारण रहता है कि अगर नवीन पॉलीशेट्टी का कैरेक्टर आपको नहीं हंसा रहा है, उसका थोड़ा बहुत रोमांटिक एंगल में चीजें जा रही हैं, फिर भी आपको बाकी कैरेक्टर्स जो है फिल्म के अंदर थ्रू आउट द रन टाइम आपको हंसाने में कामयाब रहते हैं। बट फिल्म प्रिंस की यही एक सबसे बड़ी कमजोरी साबित होती है कि फिल्म प्रिंस के अंदर शिवा कार्तिकेयन के अलावा किसी की भी कॉमिक टाइमिंग कुछ खास नजर नहीं आती है। हाँ, आपको देख के लगेगा कि सत्यराज का कैरेक्टर थोड़ा बहुत हंसाने की कोशिश कर रहा है, प्रेम जी का कैरेक्टर थोड़ा बहुत हंसाने की कोशिश कर रहा है, बट वो कॉमेडी उस लेवल की नहीं थी कि आप हंस हंस के पागल हो जाओ। मतलब बहुत बिलो एवरेज फ्लैट कॉमेडी थी, कुछ कुछ जगहों पर हंसी आ जाएगी, गिने चुने मैं सीन कह सकता हूं कि 2 या 3 ऐसे सीन्स थे जहां पर आपको हंसी आएगी। मुझे जहां पर हंसी आई, एक सब्जी वाले वाला एक सीन था वहां पर हंसी आई, एक स्कूल के अंदर एक सीन था वहां पर थोड़ी सी हंसी आई, एक कह सकते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर एक सीन था वहां पर थोड़ी बहुत हंसी आती है, अदरवाइज पूरी फिल्म के अंदर कहीं पर भी हंसी नहीं आती है। 2 घंटे 23 मिनट लंबी ये फिल्म है, उसके अंदर इसका जो क्लाइमैक्स आपको देखने को मिलेगा, क्लाइमैक्स को इतना लंबा खींचा गया है कि पूछो ही मत। उसके अंदर इतनी मतलब कोशिश की जाती है, इतनी फोर्स कॉमेडी की पूछो ही मत। डायलॉग के अंदर जो मन आ रहा है वो डाला जा रहा है और आपका मतलब चेहरा ऐसा बन जाएगा कि यार क्या चल रहा है, मतलब ऐसा लगेगा कि वो जो चीज चल रही है ना उसे देखकर हंसी आएगी, मतलब कितना ट्राई कर रहे हैं वो लोग। तो जाति रत्नालु फिल्म के अंदर स्लैपस्टिक और फोर्स कॉमेडी होने के बावजूद भी वो चीज एहसास नहीं देती है कि यहां पर कुछ जबरदस्ती का डाला जा रहा है, क्योंकि परफॉर्मेंसेस और कैरेक्टर्स जो थे वो अपने आप में शुरुआत से ही बहुत ही फनी नजर आते हैं, बट यहां पर चीजें बहुत ही फ्लैट नजर आती है। और दूसरी तरफ दो और चीजें जो इस फिल्म को बोरिंग बना जाती हैं, पहला चीज ये था कि इसके अंदर जो रोमांटिक एंगल डाला गया है वो तो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि फ्लैट जाता ही है। एट द सेम टाइम उसको लेकर काफी सारे गाने फिल्म के अंदर डाल दिए गए हैं जो इस फिल्म को बहुत ही स्लो कर जाते हैं, और एस एस थमन का म्यूजिक इस फिल्म के अंदर बहुत ही बिलो एवरेज है, एक भी गाना ऐसा नहीं है जो आपके दिमाग में बैठेगा। ये तो रिलीज से पहले ही जब गाने आ रहे थे तभी लग रहा था कि इस फिल्म का म्यूजिक बहुत ही एवरेज होने वाला है, और ऐसा ही होता है कि फिल्म देखते वक्त भी जो है गाने बहुत ही अननेसेसरी नजर आते हैं। दूसरा मैंने जो थोड़ा बहुत फील किया कि यहां पर डायरेक्टर की कोशिश हो रही थी कि वो थोड़ा बहुत कुछ सीरियस या फिर सेंसिबल करने की कोशिश करे, तो काफी जगहों पर आप थोड़ा फील करोगे कि ये फिल्म कुछ मैसेज देने की या फिर कुछ एजुकेट करने की कोशिश कर रही है, बट फिर डायरेक्टर को कहीं पर एहसास हो रहा है कि नहीं, मेरी फिल्म जो है वो बिल्कुल सीरियस नहीं हो सकती है, तो एक फ्लो के अंदर वो फिर से कॉमेडी ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से ना ही फिल्म कुछ सीरियस तरीके से किसी चीज को प्रेजेंट कर पाती है, ना ही चीज जो है फनी तरीके से नजर आ पाती है। तो राइटर डायरेक्टर अपने आप में काफी कंफ्यूज काफी जगहों पर नजर आते हैं, जिसकी वजह से फिल्म जो है बहुत ही मैसी नजर आती है। तो ओवरऑल बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि फिल्म प्रिंस एक एवरेज टू बिलो एवरेज फिल्म है। ये एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ऑडियंस को हंसाएगी, अगर छोटे बच्चे हैं या फिर फैमिली ऑडियंस जा रही है जहां पर छोटी मोटी चीजों पर भी हंसी आ जाती है, तो उनको ये फिल्म जो है डेफिनेटली कुछ हद तक हंसा सकती है। अदरवाइज जो
थ्रू आउट द फिल्म हंसने के लिए जा रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि जाति रत्नालू जैसी जबरदस्त कॉमेडी होगी, थ्रू आउट द फिल्म कॉमेडी होगी, वैसी कॉमेडी जो है फिल्म के अंदर नहीं है। हाँ, डेफिनेटली ट्राई जरूर किया गया है हंसाने का, बट जो वन लाइनर्स हैं, जो ह्यूमर है, वो उस लेवल पर जो है काम नहीं कर पाता है, और यही जो है इस फिल्म की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है। और मैं कोई पर्सनली फिल्म के अंदर कोई स्टोरी स्क्रीन प्ले देखने नहीं गया था, मुझे पता था कि डायरेक्टर क्या बनाने वाले हैं, मैं उसी माइंडसेट के साथ फिल्म देखने गया था, बट फिर भी जो है फिल्म डिसअपॉइंट ही करती है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने ये फिल्म देख ली तो आपको फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों से यहीं तक आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो से लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।